मध्य प्रदेश में कहीं धूप तो कहीं बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में मॉनसून तो आ चुका है, लेकिन प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश तो कुछ हिस्सों में तेज धूप निकल रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती ने बताया कि वेस्ट एमपी के भिंड जिले में 85 मिलीमीटर और ईस्ट एमपी के शिवपुरी में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां हल्की फुल्की धूप के साथ दोपहर में मौसम बदलने की संभावना है, जिसमें गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, पिछले 24 घंटों में वेस्ट एमपी में जो है आपको स्कैटर्ड रेनफॉल दर्ज किया गया और ईस्ट एमपी में आइसोलेटेड रेनफॉल मिला। वेस्ट एमपी में भिंड जिले में जो है लगभग 85 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया है गोहद में, तथा ईस्ट एमपी में सिवनी में जो है 70 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया है, हाईएस्ट रेनफॉल। अभी जो है मानसून ट्रफ प्रदेश के जो है गुना से होते हुए सतना से होते आगे निकल रहा है और एक अपर एयर सेंसर गुजरात के ऊपर 1.5 किलोमीटर पर बना हुआ है, जिसके कारण अभी प्रदेश भर में रेनफॉल एक्टिविटी जो है वेस्ट एमपी में आपको स्कैटर टू फेयरली वाइड और ईस्ट एमपी में स्कैटर टू फेयरली वाइड दोनों जगह देखने को मिल सकता है। और एक आध जगह हैवी रेनफॉल पर्टिकुलरली जो साउथ ईस्ट का जो आपका बालाघाट सिवनी मंडला इस एरिया में तथा वेस्ट एमपी के जो आपका बड़वानी अलीराजपुर खंडवा इस एरिया में देखने को मिल सकता है। राजधानी में मतलब आपका जो है जनरली क्लाउडी बना रहेगा, शाम को जो है दोपहर के बाद शाम को जो है गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।